स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है शो दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या शो करना है कि शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखो, इसको अगर हमने प्रूव करना है तो इसमें हमने क्या देखना है। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर रियल लॉ ऑफ मोशन है तो हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है उसी में से हमने फर्स्ट लॉ को ड्राइव किया, उसी में से हमने थर्ड लॉ को ड्राइव किया। अगर हमने न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ बनाना है तो हमने ये प्रूव कर देना है कि न्यूटन सेकंड लॉ से ही न्यूटन फर्स्ट लॉ निकल रहा है और न्यूटन सेकंड लॉ से ही न्यूटन का थर्ड लॉ निकल रहा है, तभी वो रियल हुआ। समझ आ रही है? रियल का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है दैट इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है दैट इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम सेकंड लॉ। मतलब फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ से ड्राइव कर पाते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है दैट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। गॉट इट? क्लियर? तो मैं प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास जो न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ है दैट इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। पहला हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ। ये नोट्स बनाते रहना बेटा। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। आपने पहले लिखना है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है दैट इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। कैसे? देखो, हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। हमें स्टार्ट करना है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ बेटा? क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ? कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने ड्राइव किया था, हमने यही बोला था कि फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? अब इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर हम बोल दें इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ जीरो है तो एम ए क्या हो जाएगा? जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं होता। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। प्रूफ हो गया। मास तो है, अब हमारे पास कोई बॉडी है तो बॉडी का मास तो जीरो हो ही नहीं सकता। बॉडी का मतलब मास है उसका, मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब बॉडी है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा तो वो जीरो हो ही नहीं सकता। मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का। बट इसलिए हमने कहा था मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो क्या बचा? एम ए जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो होगा, राइट? तो ए जीरो का मतलब क्या है? दिस शो दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो आ गई। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि या तो बॉडी रेस्ट के ऊपर है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। यही मतलब हुआ, क्योंकि बॉडी जो है अगर रेस्ट के ऊपर है तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। मतलब अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो रेस्ट के ऊपर रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते मतलब एफ जीरो है, एफ जीरो है तो ये क्या है? जीरो। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि
न्यूटन सेकंड लॉ से हमने यहां से चले, हमने एफ को जीरो कर दिया, और एंड में आके वो डेफिनेशन किसकी बन गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ की। क्लियर, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो आ गई, मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, क्योंकि हमने फोर्स जीरो कर दी। बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी कब तक, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी मोशन में है और कंटिन्यूसली मोशन में जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है उसमें, जीरो। या तो बॉडी रेस्ट के ऊपर है और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ है दैट इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, हमने प्रूव कर दिया। गॉट इट? उसके बाद आ गया सेकंड पॉइंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, हम बोलेंगे थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, ये हो गया। अब बोलेंगे थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। अब हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, मतलब उसके ऊपर जहां नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई फोर्स ही नहीं लगती है। अगर मान लो उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मैं ये नहीं बोला कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग, हाँ लग भी रही है फोर्स। अगर मान लो उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो नेट फोर्सेस क्या होंगे इसके ऊपर? जीरो होंगे। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? जीरो होती है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगती नहीं है। अगर मान लो लग भी रही है तो वो सारी जो है वो नेट फोर्स क्या हो जाएंगे? उनकी जीरो हो जाएगी। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज जीरो, मतलब जीरो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, राइट? तो आइसोलेटेड सिस्टम में दो पार्टिकल बॉडीज हमने ली, एक ए और एक बी। ये देखो, ये है हमारे पास एक बॉडी ये है और ये बॉडी, उसके ऊपर एक बॉडी और, समझ आई? दिस इज बॉडी वन, ये जो बॉडी है ये वन है, और ये बॉडी जो है दैट इज बॉडी टू। एक बॉडी वन है हमारे पास और एक बॉडी हमारे पास क्या है? टू। ऐसे नहीं दिखाई देगा लॉ, ये टू, ये तो दिखाई देगा, दिस इज वन। एक बॉडी वन है और एक बॉडी टू है। अब देखो ये बॉडी इसके ऊपर प्लेस हुई है तो इसका मतलब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स इस तरफ को, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू, समझ आ गई? अगर ये हमारे पास बॉडी वन है तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टू ड्यू टू बॉडी वन, समझ आई? दोनों के ऊपर फोर्स लग रही है। व्हाट इज एफ वन टू? एफ वन टू क्या है? व्हाट इज एफ वन टू? दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी वन बाय बॉडी टू। अगर हम एफ वन टू लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड, एफ वन टू को हम क्या लिखेंगे बेटा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी वन, ऑन द बॉडी वन बाय बॉडी टू, बाय बॉडी टू। अगर हम एफ टू वन की बात करें तो ये क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड on the body too, on the body too, by body one, उल्टा हो गया। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है
वन टू के ऊपर फोर्स लगा रही है, टू वन के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, क्लियर है। अब इफ डी पी वन बाय डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डी पी वन, पी क्या है, मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, इसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी वन। सिमिलरली डी पी टू बाय डी टी, डी पी टू बाय डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी टू, ये आपने लिखना है बेटा, नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ये कर लिया। मतलब हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि थर्ड लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। मैंने क्या बताया कि आपके पास दो बॉडीज हैं, मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इनके ऊपर आपस में फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो। जब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बोला तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, मैंने बोला कि इन दोनों के ऊपर फोर्सेस लग रही है, लेकिन इस सिस्टम में नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तभी आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, राइट। मैंने क्या बोला, डीपी वन बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, डीपी टू बाई डी टी टू क्या, डी टी क्या है, डीपी टू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी टू, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कौन सा लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि F12 फोर्स एक्टिंग, F12 क्या है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन, कहा गया, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी वन बाय बॉडी टू, F12 फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉडी वन, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है मोमेंटम भी उसका चेंज होगा, तो ये किसके बराबर होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, dP1 by dt। और F21 सिमिलरली, F21 ये किसके बराबर होगा, dP2 by dt, न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है। यहां यहां पर k आना था, k की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है, यहां पर 1 ली हुई है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स किसके ऊपर लग रही है, बॉडी वन के ऊपर फोर्स लग रही है, तो मोमेंटम भी उसका चेंज होगा, फोर्स यहां पर किसके लग रही है, बॉडी टू के ऊपर लग रही है, तो मोमेंटम भी बॉडी टू का चेंज होगा, राइट, क्लियर है। दोनों इक्वेशन को एड कर दो, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, F12 प्लस F21 दैट इज इक्वल टू dP1 बाय dt, और दूसरा क्या बनेगा, dP2 बाय dt, क्लियर है, dP1 बाय dt, dP2 बाय dt, राइट, क्लियर, ये नोट कर लिया आपने। फिर हम क्या करेंगे, ये साथ साथ में, जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते रहते हो, साथ साथ में बेटे पॉज कर करके लिखते रहना, और सारी चीजें जो है वो आपकी कॉपी के ऊपर होनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये F12 प्लस F21, मैंने ये कॉमन ले लिया, डी बाई डी टी अंदर क्या रहेगा, P1 प्लस P2, क्लियर। अब सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अब सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग कर रही है, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, F12, F21, मतलब या तो ये जीरो या ये जीरो, कोई भी सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, तो मतलब क्या हुआ,
कि डी वाई डी टी पी वन प्लस पी टू ये क्या हो गया जीरो, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब, इसका मतलब ये भी हुआ कि एफ वन टू प्लस एफ टू वन ये भी क्या हो जीरो। सो दिस इंप्लाइज एफ वन टू डेट इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन, फोर्सेज क्या होगी इक्वल एंड अपोजिट होगी। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर है? ये क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब हम चले कहां से थे, न्यूटन साइकिल लॉ से, यहां से चले थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, हम कहां पर पहुंच गए न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर, क्लियर है? तो स्टार्टिंग में हमने क्या प्रूव किया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ दैट इज कंटेन इन द न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो कंटेन इन द सेकंड लॉ, तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्या हुआ, दैट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। समझ आ गई, क्लियर है? सो ये टॉपिक जो है ये चार नंबर का भी आ जाता है, पांच नंबर का भी आ जाता है, तीन नंबर का भी आ जाता है, राइट? तो इसको आपने ध्यान से करना है। समझ आ गई, चलें आगे। अब है हमारे पास लॉ स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मैटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मैटर, ये फिजिक्स में पढ़ा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मैटर, ठीक है? तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। स्टेट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। State and explain law of conservation of linear momentum. क्या बोलता है? कहता total linear momentum of an isolated system remain constant. Simple सी definition. क्या बोला है ये? Total linear momentum of an isolated system Total linear momentum of an isolated system remains constant. Got it? This is the statement. क्या बोलेंगे हम इसको? Statement. अगर आपसे कोई पूछे कि what is the statement of law of conservation of linear momentum, तो सिंपल सी बात, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है? आप इसको प्रूव करें, करें इसको प्रूव, इसको प्रूव कैसे करना, बहुत सिंपल, प्रूव करते हैं इसका, स्टेटमेंट होगी और इसका प्रूफ, प्रूफ में हम क्या बोलेंगे, चलेंगे कौन से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, किससे बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है अगर हम बोले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि वो क्या बोल, सभी को पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ डैट इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। एफ किसके बराबर होता है, डीपी बाय डी टी, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, एफ इज इक्वल डीपी बाय डी टी। इफ एफ इज इक्वल जीरो, अगर एफ जीरो है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, आइसोलेटेड सिस्टम बोला है यहां पे, अगर हमने आइसोलेटेड सिस्टम बोला है तो आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो। व्हाट इज एफ, एफ इज एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर एफ जीरो है तो डीपी बाय डी टी ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर dp by dt जीरो है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है,
जीरो होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी तो क्या होता है जीरो। तो ये बोल रहा है कि डीपी बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज पी एज कांस्टेंट। पी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। क्लियर है, समझ आ गई? तो सिंपल हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमारे पास सिर्फ हमने क्या किया एक सिंपल। अगर मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स होता, इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, नेक्स्ट आर्टिकल है इसी में, इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है एन पार्टिकल्स का, राइट, जैसे उसका मोमेंटम होगा ए का मोमेंटम पी वन, ए का मोमेंटम पी टू, अप टू सो ऑन, हमारे पास जो मोमेंटम है वो पी एन के बराबर है, पी वन पी टू अप टू सो ऑन, इतने मोमेंट। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा? मतलब अगर हमारे पास एन पार्टिकल्स तो हर पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? किसी का पी वन, किसी का पी टू, का पी थ्री, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, राइट। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा बताओ? शाबाश, दैट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू सो ऑन, किसके बराबर होगा? पी एन के बराबर। पी वन पी टू पी थ्री अप टू सो ऑन पी एन के बराबर हो गया। अब क्या बोले हैं? इफ एफ एक्सटर्नल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, हमने क्या करना है, ये नोट कर लिया सभी। अब हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर एन पार्टिकल्स है, तो एफ एक्सटर्नल अगर उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ पी वन प्लस पी टू प्लस सो हॉन कहां तक? हमारे पास क्या आ गया बेटा कि f अगर जीरो है तो dp by dt by dt क्या हो गया? जीरो, p कांस्टेंट आ गया। नाउ इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स n पार्टिकल्स p1 p2 अप टू सो ऑन, p1 उसका मोमेंटम होगा, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा? p1 plus p2 plus p3 अप टू सो ऑन, राइट। अब मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? d by dt ऑफ जितना मोमेंटम हमने लिया। जब ये मोमेंटम यहां पर आ गया, राइट, तो डी बाई डी टी ऑफ पी वन प्लस पी टू प्लस अप टू सो ऑन पी एन, ये किसके बराबर होगा? एफ एक्सटर्नल के बराबर। ये हमने कौन सा लगाया यहां पर? न्यूटन सेकंड लॉ। अब अगर हम बोले कि इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। एफ एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ पी वन प्लस पी टू अप टू सो ऑन पी एन, ये क्या हो गया? जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो हमारे पास p1 वन प्लस पी टू अप टू सो ऑन पी एन, ये क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। ध्यान से सुनो एक बार फिर, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सिस्टम वही था जो हमने पहले किया, बस हमने p की जगह क्या कर दिया, यहां पर हमने क्या लिखा था? f एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, कुछ नहीं किया हमने, हमने सिर्फ p की जगह क्या कर दिया हुआ है, p की, अगर आप ध्यान से देखो p की जगह हमने क्या लिख दिया? p1 plus p2 plus p3 up to so on, जितना भी था वो लिख दिया। अब f external zero because system is isolated, तो हमने f external को क्या कर दिया? zero, तो d by dt of p1 plus p2 up so on pn क्या हो गया? zero हो गया। जब ये zero हो गया तो किस टर्म का कौन सी ऐसे टर्म होती है जिसका डेरिवेटिव जीरो था? कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? कांस्टेंट। अगर ये टर्म कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज न्यूटन्स सॉरी व्हाट वी कॉल दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। क्लियर है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बाय अ गन रिकॉइल्स बैक ऑन फायरिंग, आपने देखा होगा ना कि हमारे पास गन है, जब आप गन में से फायरिंग करते हो, मतलब बुलेट को फायर करते हो, तो दैट रिकॉइल्स बैक बाय, रिकॉइल का मतलब पीछे की तरफ आना, झटका, क्योंकि जब भी हम गन चलाते हैं ना
तो एकदम से पीछे की तरफ झटका मारती है वो। Why a gun recoils back when it is being fired? जब हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो गन पीछे की तरफ क्यों आती है? जैसे मान लो ये है, अब गन मुझे बनानी नहीं आती है, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लो, ठीक है, ऐसे ही होती है ना गन, क्लियर, ऐसी होती है ना गन। आपने गन को जब फायर किया तो यहां से बुलेट निकली, राइट, और ये जो पोर्शन है दैट रिक्वायर्स बैक, ठीक है, गन जो है दैट रिक्वायर्स बैक जब हम उसको क्या करते हैं, फायर करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, आप बोलोगे सर ने जो गन बनाई है वो बड़ी बढ़िया बनाई, आ बन गई नहीं, हाँ, यहां पर ट्रिगर होता है जो हम ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, क्लियर, ट्रिगर दबाएंगे उसमें से गोली निकलेगी, राइट। अब जो बुलेट यहां से जा रही है, सपोज कर उसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, जब ने गन को फायर किया उसकी वेलोसिटी ने भी, अब ये कह रहे हैं रिकॉइल बैक मतलब पीछे की तरफ आ रही है ये गन, ये है इसकी वेलोसिटी वी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। अगर हम बोले वी जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, जिस वेलोसिटी से गन वापस आ रही है, ठीक है। तो अब हमने प्रूफ कैसे करना, बिफोर फायरिंग, जब हम फायर नहीं कर रहे थे, राइट, बिफोर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ध्यान से सुनना, बिफोर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बिफोर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा बेटा, देखो इसका मास कितना है, m क्या है, दैट इज मास ऑफ गन, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, एक हमारे पास मास ऑफ गन है और एक हमारे पास क्या है, मास ऑफ बुलेट। अब बिफोर फायरिंग, जब हमने फायरिंग की ही नहीं थी, हमारे पास बोल्ट भी थी, हमारे पास गन भी था, राइट, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम क्या है, मास ऑफ बुलेट, सॉरी मास ऑफ गन, वी क्या है, वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम किसका हुआ, ये किसका मोमेंटम है, किसका है, अब तो मैंने किया ही नहीं, देखो हम इसका मोमेंटम देख ही नहीं सकते हैं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी। बिफोर फायरिंग ना तो गन मूव कर रही थी ना ही बुलेट मूव कर रही थी, इसलिए टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग क्या था, जीरो। आफ्टर फायरिंग, ध्यान से देखना है इसको, आफ्टर फायरिंग, जब हम आफ्टर फायरिंग की बात करेंगे तो आफ्टर फायरिंग बुलेट भी मूव कर रही है, राइट, और गन भी मूव कर रही है, गन का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, एम इन टू बी, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, गॉट इट। तो ये था बिफोर फायरिंग, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहे हैं, कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, टोटल लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम बिफोर फायरिंग अगर हम बोले कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये क्या बोल रहा था, टोटल अकॉर्डिंग टू लॉफ कॉन, मतलब लॉफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा है, कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इज इक्वल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो टोटल लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व हुआ, तो बिफोर फायरिंग कितना था, जीरो, बिफोर फायरिंग कितना था, जीरो, आफ्टर फायरिंग कितना था, एम वी प्लस एम वी स्मॉल, राइट, क्लियर, तो बना क्या हमारे पास, एम वी दैट इज इक्वल टू माइनस एम वी, राइट, यहां से हम वी की वैल्यू निकालेंगे तो वी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस एम
अपॉन एम इनटू वी, ये देखो माइनस साइन आ गया, मतलब कैपिटल वी जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ, दोनों ऑपोजिट है, मतलब वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी, माइनस वी का मतलब क्या है कि अगर आपकी बुलेट